हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने बताया कि व्हाट आर द पर्क्स ऑफ डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम एम्स मेडिकल कॉलेजेस। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट आर द पर्क्स ऑफ डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम एएफएमसी मेडिकल कॉलेज। जिसको नहीं मालूम है, एएफएमसी इज आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे में लोकेटेड है। एंड टू जॉइन दिस कॉलेज तुम्हें सिर्फ नीट एग्जाम को क्लियर नहीं करना है, बल्कि तुम्हें एएफएमसी स्क्रीन पूरी क्लियर करनी पड़ती है, तब तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द पर्क्स यू विल गेट व्हाइल डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम एएफएमसी मेडिकल कॉलेज। The first one is lowest MBBS fees। अब इसको थोड़ा elaborate करके समझते हैं। अगर हम बात करूँ MBBS की, जो तुम इंडिया में कर सकते हो, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। अगर तुम प्राइवेट में जाते हो, तो अगर मैं बात करूँ KMC मणिपाल की, जो कि इंडिया में लोकेटेड है, एंड द फीस ऑफ KMC मणिपाल इज 1,30,000 rupees पर ईयर। तुम्हें हर साल इतने रुपए देने हैं KMC मणिपाल से MBBS करने के लिए। इट इज द गुड प्लेस। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम वहां से भी MBBS कर सकते हो। जस्ट वेट एंड सी हाउ द फीस ऑफ AFMC इज वेरी लेस देन दिस ऑल दी कॉलेजेस। तो ये थी फीस एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अगर मैं बात करूँ किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज की, अगर मैं बात करूँ MGM मेडिकल कॉलेज, जो कि इंदौर में लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, तो उसकी एनुअल फीस है अराउंड 1,70,000 rupees पर ईयर, जो कि प्राइवेट के कंपैरिजन में काफी कम है। बट इसके अलावा काफी स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पे MBBS की फीस काफी कम है। लाइक एग्जांपल अगर बात करूँ रिम्स रांची की, जो कि झारखंड में, वहाँ की फीस अराउंड 10,000 to 12,000 rupees पर ईयर। तो तुम्हें यहाँ की फीस काफी कम देखने को मिलती है। वैसे अगर बात करूँ MAMC मेडिकल कॉलेज की, वहाँ पे अराउंड 10,000 के अंदर में तुम्हारी एनुअल फीस रहती है। तो कुछ कॉलेज में काफी फीस कम है। बट इन सभी के अलावा अगर बात करूँ एम्स मेडिकल कॉलेज की, वहाँ पे फीस और ज्यादा कम होती है। तो एम्स की फीस रहती है अराउंड 5,356 rupees पर ईयर। थोड़ी बहुत वेरी करती है, बट अराउंड 5,600 rupees रहती है पर ईयर। पर इन सभी बातों का क्या फायदा? क्या एफएमसी की फीस इन सभी कॉलेज से काफी कम है? यस, एफएमसी की फीस इन सभी कॉलेज से सबसे ज्यादा कम है। और वो कैसे है, उसको मैंने इस वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो तुम इस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना, तो पता चलेगा कि एफएमसी की फीस जो कि एमबीबीएस की फीस है, वो एम्स से अराउंड 3 times कम है। एंड दस एफएमसी हैज द लोएस्ट फीस फॉर एमबीबीएस। बट हाँ, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो तुम्हें बाकी किसी मेडिकल कॉलेज में फीस तुम्हारी काफी कम हो जाएगी। नाउ द सेकंड थिंग इज मनी फ्रॉम एफएमसी। मतलब तुम्हें पैसे तो दे रहे हैं अपने एमबीबीएस करने के लिए, बट तुम्हें पैसे मिलते हैं एफएमसी से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, एफएमसी तुम्हें तुम्हारे नॉर्मल खर्चों के लिए पैसे देता है, क्योंकि तुम इसमें एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक मेडिकल कैडेट। तो तुम्हें कौन से खर्चों के लिए पैसे मिलते हैं? मैं अगर उनमें से कुछ को इंक्लूड करूँ, तो लाइक तुम्हें एसी की टिकट मिलती है जब तुम अपने हॉस्टल से घर जाते हो, मतलब जो भी छुट्टियां होती है तुम एफएमसी से अपने घर जाते हो, तुम्हें एसी की टिकट मिलती है अपने घर जाने के लिए, घर से वापस आने के लिए। इसके अलावा जो भी बुक्स और स्टेशनरी तुम्हें खरीदनी रहती है अपने एमबीबीएस के लिए, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होती है, तो मैं सारी बुक्स के लिए पैसे मिलते हैं एफएमसी से। और इस स्टेशनरी अलाउंस मिलता है अराउंड 1,120 rupees का पर ईयर, ताकि तुम अपनी सारी स्टेशनरी का सामान खरीद सको। इसके अलावा हेयर कटिंग अलाउंस मिलता है तुम्हें हर मंथली, ताकि तुम अपने बाल को एक मतलब प्रॉपर शेप में रखो, क्योंकि एफएमसी में डिसिप्लिन को काफी ज्यादा माना जाता है। तो मैंने एफएमसी के कॉन्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तुम उस वाली वीडियो को भी जरूर देखना इस वीडियो के बाद, ताकि तुम एक ओवरऑल आइडिया रख सके। एफएमसी कॉन्स कुछ अलग से बहुत बड़ी कॉन्स नहीं है, बल्कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसको नेगेटिव तरीके से देखा जा सकता है। तो उस वाली वीडियो को एक बार जरूर देखना इस वीडियो के बाद। इसके अलावा बात करें और अलाउंसेस में, तुम्हें वॉशिंग अलाउंस मिलता है तुम्हें तुम्हारे कपड़े धोने के लिए, तुम्हें खुद से धोने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा तुम्हें इंश्योरेंस भी मिल जाता है। सो दीस आर ऑल दी अलाउंसेस यू गेट एट एफएमसी, जो कि तुम्हें बाकी किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ एनवायरमेंट। एफएमसी पूरा एक डिफेंस एरिया है, मतलब तुम्हें वहां पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे आसपास हमेशा गार्ड्स रहेंगे, इवन तुम्हें एफएमसी में मेडिकल करके तैयार किया जाएगा, ताकि तुम अपने खुद से सेल्फ डिफेंस कर सको। इसके अलावा तुम्हारे सामने हमेशा ऑफिसर्स रहेंगे। इसके अलावा हर जगह पे सिक्योरिटी कैमरास है, और विद हाई डिसिप्लिन देयर इज वेरी हाई सिक्योरिटी एट एफएमसी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्ट। एफएमसी में सभी चीजों को काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, हर एक फेस्टिवल को काफी अच्छी तरह मनाया जाता है, और तुम्हें काफी अच्छी तरह पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे अलग अलग कल्चर क्लब बने हुए हैं, ताकि तुम उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर तुम्हें डांसिंग काफी पसंद है, तो डांसिंग क्लब है, तो वहाँ पे जाके उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। फिर तुम्हें जो भी कॉम्पिटिशन होंगे एफएमसी से इंटर कॉलेज हो गए, तो वहाँ पे जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो उनके साथ। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूनिफॉर्म एंड रेस्पेक्ट। यूनिफॉर्म एक्चुअली वो चीज है जिसके कारण काफी जोर से एफएमसी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। वो ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म तुम्हारे ऊपर रहेगी, व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म तुम्हारे ऊपर रहेगी, जिसके लिए लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एफएमसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यू विल गेट अ चांस टू वियर दैट डिफेंस यूनिफॉर्म्स। बट मैंने इस पॉइंट को एक्चुअली कौन सा वीडियो में इंक्लूड किया था, क्योंकि ये बस एक ही बहुत सारे लोगों का सपना था हमेशा यूनिफॉर्म पहनने का, बट ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिफॉर्म पहनना उतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब रोज रोज एक ही यूनिफॉर्म पहनना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ लोग के लिए एक टाइप से मतलब नेगेटिव पॉइंट था, तो मैंने उस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर देख लिया, ताकि तुम्हें सारे पॉइंट्स पता चल जाए। और यूनिफॉर्म तुम्हारे अंदर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस लाता है, और एक सेटिस्फेक्शन लाता है कि तुमने काफी कुछ बढ़िया अचीव किया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। एक्चुअली इसको ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एफएमसी में स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा माना जाता है। हर एक स्पोर्ट के लिए रेस्पेक्टिव ग्राउंड से एफएमसी में तुम जिस भी स्पोर्ट में ज्वाइन करते हो, तुम्हें उस स्पोर्ट से बाकी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में एफएमसी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो अगर तुम स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा करना चाहते हो, देन एफएमसी इज फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल कैडेट मेस। जहां पर मैंने बात की कि बाकी सभी मेडिकल कॉलेज में तुम्हें अलग से पैसे देने पड़ते हैं मेस के लिए, अराउंड 3,500 to 4,000 rupees देने पड़ते हैं पर मंथ।
तुम्हें मेस का खाना खाने के लिए एफएमसी में काफी ज्यादा कम है और तुम्हें काफी क्वालिटी फूड खाने को मिलती है। बट इसके अलावा तुम्हें मेस के अंदर काफी सारे डेकोरम मेंटेन करना रहता है क्योंकि तुम अपने सीनियर्स का खाना खाने वाले हो, काफी सारे ऑफिस वहाँ पे रहेंगे। तो मैं एक पैराग्राफ रीड करता ताकि तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए। दिस इज फ्रॉम एन एफएमसी स्टूडेंट। द एनवायरमेंट इन द मेस इज क्वाइट फ्रेंडली बट ऑल्सो फुल ऑफ रेस्पेक्ट। The candidates are required to follow the mess etiquettes while on the dining table and have a good turnout. This is the place where they learn about manners to be followed in the officers' mess once they pass out of this prestigious college and join the various defense forces as medical officers. तो तुम्हें आइडिया लग गया कि तुम्हें वहाँ पे काफी ज्यादा एटिकेट्स में रहना है और जो भी तुम खाना खा रहे हो, मतलब जैसे तुम घर में खाना खाते हो उस तरीके से वैसे का नहीं खा सकते हो, तुम्हें एक प्रॉपर मेंटेन वे में खाना खाना रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल कैडेट मेस। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। मतलब एफएमसी में एडमिशन लेने के लिए कोई पर्टिकुलर कोटा नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्टेट कोटा नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए स्टूडेंट जो आएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया से आएंगे, जिसके मार्क्स काफी अच्छे हैं, जो स्टूडेंट काफी अच्छा करे होंगे वो ऑल ओवर इंडिया से एक साथ एडमिशन लेंगे। तो तुम्हें सारे स्टेट्स का टेस्ट एक पर्टिकुलर प्लेस मिल जाएगा एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तुम सबसे इन्वॉल्व हो सकते हो, बाकी स्टेट्स के बारे में जान सकते हो। तो दीस आर ऑल द बेनिफिट्स यू गेट व्हाइल डूइंग एमबीबीएस। नाउ लेट्स गो beyond it, let's talk about internship. In internship, you get around 75 to 85,000 rupees per month as an intern at AFMC, जो कि तुम्हारी MBBS की total fees से भी ज़्यादा है। तो ये काफी सही चीज़ है, तुम्हारे पूरे MBBS course की fees एक बार में, मतलब दो से तीन महीने में तुम्हारी पूरी internship के पैसे में cover हो जाएगी। The second last point is ranks and payout. FMC से MBBS खत्म करने के बाद तुम्हें defense service की rank मिलती है, इसके अलावा काफी अच्छी payment मिलती है। अगर मैं कुछ चीज़ में बताऊँ तो तुम एक्चुअली पहले कैडेट रहते हो, फिर तुम इससे लेफ्टिनेंट बन जाते हो, जब तुम्हें कमीशन किया जाता है और तुम्हें पेमेंट मिलती है 57,800 रुपीस की। इसके बाद तुम लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन जाते हो जब तुम इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट कर लेते हो। इसके बाद तुम कैप्टन से मेजर बन जाते हो, जो कि डिफेंस की काफी बड़ी रैंक होती है, जब तुम अपने 4 साल कंप्लीट कर लेते हो एज एन कैप्टन। इसके बाद तुम मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हो, जब तुम कंप्लीट कर लेते हो 7 ईयर्स एज अ मेजर। इसके बाद तुम लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बन जाते हो, जो कि सिलेक्शन से होता है। फिर तुम कर्नल से ब्रिगेडियर बन जाओगे, फिर ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बन जाओगे और फिर मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन जाओगे। सब ये सारी चीज सिलेक्शन होती है। इसके अलावा तुम्हें बाकी सारी फैसिलिटीज भी मिलती है, जो कि मैंने पहले वीडियो में इंक्लूड किया था। सारी पेमेंट्स के अलावा तुम्हें सारी फैसिलिटीज भी मिलती है। नाउ द लास्ट पॉइंट, वैसे तो पॉइंट्स एंडलेस है बट वीडियो खत्म करने के लिए लास्ट पॉइंट जरूरी है। द लास्ट पॉइंट इज 100% सीट रिजर्वेशन एट पीजी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे काफी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में 20 लाख बच्चे थे, उनमें से अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स का एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। बट अब ये 1 लाख एडमिशन जिसका एमबीबीएस में हो चुका है, वो लोग एग्जाम देंगे नीट पीजी का, जिसमें अराउंड 10,000 फीस सिर्फ रहती है। और जो 1 लाख स्टूडेंट्स है वो सारे के सारे टॉपर्स हैं, मतलब अलग अलग मेडिकल कॉलेज में टॉपर्स हैं ये सारे के सारे, उनमें से सिर्फ 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अगर ऐसे में तुम्हें 100% सीट रिजर्व मिल जाती है, क्योंकि अराउंड 300 सीट रहती है पीजी के लिए एफएमसी में, तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुम्हें कंसीडर करना चाहिए। सो दिस आर ऑल द मेजर पॉइंट्स जो कि तुम्हें बताते हैं ऑल द पर्क्स ऑफ जॉइनिंग एफएमसी। बट मैं फिर से बताऊंगा इस वाली वीडियो के बाद, तुम्हें एक बार इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जो कि एक तरीके से नेगेटिव है एफएमसी ज्वाइन करने के लिए। तुम एक बार वीडियो को देख लो ताकि तुम्हारे माइंड में क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो सिर्फ एक साइड बायस होने के बजाय तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें एफएमसी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So that's all for this video. आप सब तो जल्दी किसी और वीडियो में। A very happy Diwali to each one of you. इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपके साथ मतलब जल्दी। जय हिंद।